का एकम रूप से आपका स्वागत करती हूँ। फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक पंचकुला की प्रॉपर्टी। 10 मरले का मेरा ये फ्लोर रहने वाला है, 3 BHK अपार्टमेंट रहने, 3 BHK फ्लोर रहने वाला है। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको ये रोड। इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर ही, वाइड रोड के ऊपर ही आपको मेरा ये फ्लोर जो है वो आज मिलने वाला है। तो किसी गली में नहीं जाना चाहते थे और पंचकुला के प्राइम सेक्टर में, प्राइम लोकेशन के ऊपर कोई फ्लोर कंसीडर कर रहे थे, तो आज वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं बात करती हूँ इसकी लोकेशन की। सेक्टर 4 के अंदर मेरा ये 10 मरले का फ्लोर आपके लिए रेडी टू मूव में अवेलेबल है। जैसे ही आप गेट से अंदर एंटर करते हैं तो ये पूरा एरिया जो है वो आपको मिलने वाला है, आपका स्टिल्ट एरिया। यहाँ पे आपके पास, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं ना पार्किंग की, तो यहाँ पे आपके पास इजीली 7 से 8 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे आराम से खड़ी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे ये पूरा जो कटआउट एरिया दिया हुआ है, ये कटआउट एरिया आपके डाइनिंग रूम के साथ अटैच रहने वाला है। ओपन टू स्काई होने की वजह से आपके सिर्फ रूम्स में या ड्राइंग रूम में ही वेंटिलेशन नहीं, आपके डाइनिंग एरिया में, किचन में, पूरे घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। नेचुरल लाइट जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। स्टेट में अगर मैं बात करूँ पार्किंग की, पार्किंग के अलावा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो है हर फ्लोर के साथ एक स्टोर आपके पास रहने वाला है, और लास्ट में एक कॉमन वॉशरूम आपका रहने वाला है, जो कि आपका कोई ड्राइवर, कोई सर्वेंट अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। 10 मरले का मेरा ये फ्लोर है, रेडी टू मूव है, 3 BHK के साथ लिफ्ट ऑपरेशनल है। तो देर किस बात की, आप चलिए स्टेयर से, मैं आती हूँ लिफ्ट से, मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आपका यहाँ पे शुरू होता है ये फ्लोर। एक फ्लोर है, एक ही अपार्टमेंट है, तो ये पूरी स्टेयर केस भी आपको यहाँ पे वाइड मिलने वाली है। जैसे ही आप अपने फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले एंट्री पे ये पूरा एलिगेंट सा इंटीरियर वर्क जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंटर करते ही इस फ्लोर में सबसे पहली खासियत क्या है कि आपके 3 बेडरूम 3 वॉशरूम तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें प्रॉपर पूरी प्राइवेसी के साथ आपका ड्राइंग रूम एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। तो मेरे इस फ्लोर में आपको मिलने वाला है सेपरेट ड्राइंग, सेपरेट डाइनिंग एरिया। तो ये आपका पूरा ड्राइंग रूम का एरिया रहने वाला है। ड्राइंग रूम में भी आपको फॉल सीलिंग जो है वो अच्छी खासी मिल रही है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे इस टाइम खड़ी हूँ तो नेचुरल लाइट आप देख रहे हैं, मैंने इस रूम में कोई भी लाइट जो है वो ऑन नहीं करी है। साथ ही साथ इस ड्राइंग रूम से भी आपकी बालकनी का जो सेस है, जो कि मेरी फ्रंट बालकनी रहने वाली है, वो भी रहने वाला है। चलिए चलते हैं आप अपने डाइनिंग एरिया के पार्ट में। तो ड्राइंग रूम आपका सेपरेट एरिया में हो गया, आप ड्राइंग रूम को कवर भी कर सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है वो आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। अब डाइनिंग एरिया में भी आपके पास स्पेस इतनी अच्छी खासी है कि आप डाइनिंग के साथ साथ यहाँ पे फैमिली लॉबी बना सकते हैं। वॉल पैनलिंग की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर इस पूरी वॉल के ऊपर आपको वॉल पैनलिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। साथ ही साथ 10 मरले का, जी हाँ, सिर्फ 10 मरले का जो है ये फ्लोर है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास डाइनिंग एरिया में वेंटिलेशन के लिए ये पूरा कटआउट का एरिया जो है वो ओपननेस के साथ दिया है। ग्लास तो डोर लगा ही लगा हुआ है, एक रिवॉल्विंग आपके पास मैश डोर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस डाइनिंग एरिया में भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो भी रहेगा। साथ ही साथ आपके डाइनिंग एरिया में दोनों तरफ ये इंटीरियर वाला जो वर्क है वो पूरा आपको वो कंप्लीट रहने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे किचन पार्ट में। मैं लेके बहुत सारे फ्लोर मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन ये पूरी बड़ी किचन आपको कहीं भी किसी फ्लोर पे नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे भी अगर देखिए, फ्रिज का प्रोविजन आपका यहाँ पे रहेगा, उसके अलावा माइक्रोवेव OTG के लिए, साथ में साथ स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे पूरी कैबिनेट मिल रही है। पूरी किचन जो है वो आपको रूफ तक जो है वो कैबिनेट्स आपको कंप्लीट मिल रहे हैं। प्रॉपर मॉडर्न किचन आपको यहाँ पे मिल रही है इनोटेक के साथ। यहाँ पे पूरा एरिया आपके पास कटिंग चॉपिंग के लिए ये बचता है, कुकिंग के लिए पूरी शेल्फ आपके पास यहाँ बचती है। गैस पाइपलाइन इसमें डाली है, तो सिलेंडर का प्रोविजन जो है वो किचन से बाहर वाली साइड आपका रहने वाला है, और वेट एरिया भी बिल्कुल साइड पे बनाया गया है। तो काफी अच्छी खासी स्पेस आप देख पा रहे हैं। ये पूरा एरिया जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग एरिया है।
तो काफी ह्यूज डाइनिंग एरिया, तो डाइनिंग में आप लॉबी भी आराम से बना सकते हैं और काफी अच्छी स्टोरेज के साथ ये किचन होने वाली है। खासकर लेडीज के लिए ये किचन जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट आपको वेंटिलेशन के लिए सेम आपको किचन वाली साइड से भी यहाँ पे जो है वो डोर का प्रोविजन दिया गया है और दोनों बेडरूम के साथ भी आपके पास यहाँ पे इस बालकनी का असेस मैंने वाला है। पूरी लेंथ में आपकी ये बालकनी है, बालकनी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे देखेंगे वहां पे भी आपके लिए जो है वाटर पॉइंट जो है वो छोड़ा हुआ है। तो किचन के लिए डिश वॉशर लगाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन लगाना चाहते हैं, रेयर एरिया में आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। डाइनिंग और किचन का पार्ट और रेयर बालकनी देखने के बाद अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने बेडरूम की तरफ। अब मैं यहाँ पे खड़े होके अगर आपको बेडरूम की डायरेक्शन बताऊँ तो मेरे आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं वो डाइनिंग एरिया आपका ड्राइंग रूम एरिया आ जाएगा और मेरे इसी साइड पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। बाकी के दो बेडरूम्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे बाकी के दोनों बेडरूम्स जो है वो किचन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आते हैं। तो तीनों बेडरूम आपको प्रॉपर प्राइवेसी के साथ मिलते हैं, तीनों बेडरूम्स में अच्छा खासा वेंटिलेशन रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने इस फर्स्ट बेडरूम में। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में। अब इस बेडरूम में आप देख पा रहे हैं मैंने कोई लाइट नहीं ऑन करी है, आपको प्रॉपर स्पेस के साथ प्रॉपर जो है वो बाहर से नेचुरल लाइट ऑलरेडी मिल रही थी, फिर भी मैंने आपको लाइटिंग ऑन करके फिर से दिखाया। एलईडी पैनल इसमें आपको बना हुआ मिलेगा, रेयर बालकनी के साथ ये अटैच रहने वाला है तो अच्छी खासी वेंटिलेशन रहने वाली है। यहाँ पे बना सकते हैं आप अपना पूरा ड्रेसिंग, ये मिरर आपको बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है। और एंट्री लेते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में पूरा फुल हाइटेड कवर्ड एरिया स्लाइडिंग डोर के साथ आपको मिलने वाला है। वैनिटी आपको इसमें बिल्कुल यहाँ पे बनी हुई मिलने वाली है, प्रीमियम कॉलर की बाथ फिटिंग आपको इसमें मिलने वाली है, साथ ही साथ ग्लास लुक के साथ ग्लास पार्टीशन के साथ वॉशरूम जो शावर एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आपका रहने वाला है। तो इस फर्स्ट बेडरूम का ये था मेरा अटैच वॉशरूम और उसके साथ रेयर बालकनी में जाने के लिए आपका ये रहा असेस। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। मेरा जो सेकेंड बेडरूम है किचन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको मिलने वाला है, तो इसमें भी आपके पास ये पूरा ड्रेसिंग एरिया और कवर्ड एरिया इधर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये आपका रूम का एरिया। तो ये रूम का एरिया आपका प्रॉपर रहने वाला है, इस रूम के साथ भी आपको एलईडी पैनल जो है बना के दिया जा रहा है आपको, साथ ही साथ फॉल सीलिंग प्रीमियम फॉल सीलिंग इसमें आपको करके दी है लाइटिंग के साथ, फैंस भी इनफैक्ट इसमें आपको जो है वो लगे हुए मिलने वाले हैं और इसका भी जो कवर एरिया है वो यहाँ पे फुल हाइटेड सेपरेट आपको मिलने वाला है, ड्रेसिंग पूरा फुल हाइटेड मिरर के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये आ जाता है मेरा सेकेंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम, वेंटिंग फुल हाइटेड टाइल्स प्रीमियम बाथ फिटिंग और साथ ही साथ शार्प पैनल आपको बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है। अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, तो आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने सेंटर में दिखाया था ये पूरा कटआउट एरिया आ जाता है और थर्ड बेडरूम जो है प्रॉपर प्रिवेसी के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है। तो आपको बैक साइड की धूप जो है वो आपको फर्स्ट जो सुबह की धूप है वो बैक साइड से मिलने वाली है और फ्रंट बालकनी और मेरे ड्राइंग रूम और इस रूम के साथ आपको मिलने वाली है दोपहर के बाद की धूप। ये रूम भी आप देख पा रहे हैं प्रॉपर स्पेशियस आपको यहाँ पे ये रूम मिलने वाला है। साथ ही साथ इस रूम में भी अगर मैं कबर्ड्स की बात करूँ यहाँ पे भी आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स प्रॉपर स्टोरेज के साथ ये पूरा एरिया रहने वाला है और इसके साथ भी आपका रहने वाला है ये अटैच वॉशरूम। तो तीनों बेडरूम के साथ आपका तीनों वॉशरूम एरिया जो है वो साथ में अटैच रहने वाले हैं। फ्रंट बालकनी जो है वो मेरी रहने वाली है मेरे ड्राइंग रूम के साथ और साथ ही साथ मेरे इस बेडरूम के साथ, तो पूरी आपको बालकनी जो है विड्थ लेंथ में अच्छी खासी बालकनी मिलती है। रोड पे मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, मार्केट के बिल्कुल पास में रहने वाली है, जितनी भी आपके डेली रूटीन की चीजें हैं वो वॉक एंड डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सेक्टर 4 की 10 मरले की मेरी ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल रेडी टू मूव अवेलेबल है। 10+4 का मेरा ये कंसेप्ट है, पूरी डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं। बात करती हूँ फ्लोर की, मेरे पास इसमें दो फ्लोर, टोटल 4 फ्लोर में से 2 फ्लोर जो है वो
सोल्ड हो चुके हैं और दो ही फ्लोर आज की डेट में इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्राइस की, सेक्टर 4 का 10 मरले का मेरा ये फ्लोर 2.5 करोड़ से आपको शुरू होता है। 2.5 करोड़ 10 मरले आप भी एक बार जो है वो थोड़ा सोचेंगे, लेकिन इसका सेक्टर हर प्रॉपर्टी का, पंचकूला में हर प्रॉपर्टी का, कोई भी फ्लोर आप देखते हो, कोई भी प्लॉट आप देखते हो, तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो है प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकेशन, उनके सामने लोकेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से रोड, ये सारी चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ वीडियो से उसके प्राइस को जज मत किया कीजिए। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी को देख के उसके प्राइस को जज करिए। मेरी ये प्रॉपर्टी अगर मैं 2.5 करोड़ में बोल रही हूँ तो उसका लोकेशन उसका सबसे बड़ा USP होने वाला है। साथ ही साथ 10 मरले के फ्लोर में आपको तीनों बेडरूम जो है वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ मिलने वाले हैं। ड्राई डाइनिंग का एरिया आपको बिल्कुल सेपरेट मिलने वाला है। एक बड़ी अच्छी स्टोरेज के साथ आपको किचन मिलने वाली है और दोनों साइड से आपको ये ओपन रहने वाला है। बैक साइड से ओपन कैसे है वो आपने क्या करना है, मुझे कॉल करके इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करना। बैक साइड से ओपन कैसे है वो आप कैसे देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विजिट करिए और इस प्रॉपर्टी को देखिए कि आपको ये बैक साइड से या फ्रंट साइड से, दोनों साइड से अगर मैं ओपन बोल रही हूँ तो वो कैसे बोल रही हूँ। साथ ही साथ बात करूँ आसपास की लोकेशन की, बस स्टैंड जो पंचकूला का बस स्टैंड है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बस स्टैंड मिलता है। जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सारे नियर बाय यहाँ पे 4 सेक्टर में आपको मिलते हैं। स्कूल की बात करूँ, बच्चों के लिए स्कूलिंग अगर देखते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे स्कूल, मार्केट, तो हर वो चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर वो चीज़ जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलती है। तभी मैं कह रही हूँ 2 फ्लोर बिक चुके हैं, 2 पेंडिंग हैं। प्राइम लोकेशन पे मेरा ये फ्लोर अवेलेबल है, 10 मरले का 2.5 करोड़ से शुरू होता है। तो जल्दी जाना है रेडी टू मूव इन्वेंट्री को विजिट, और साथ ही साथ देखने का प्लान भी जल्दी करना है। थैंक यू सो मच।